this is Skylar Kajan. Skylar Kajan. Keep watching. Coming soon. Coming soon. Like. Coming. Subscribe. क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक फिट फाट बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज का शॉपिंग व्लॉग। जी समर वेकेशन शुरू हो चुकी हैं और हर किसी को अपने बच्चे के लिए यकीनी बात है इस वक्त नोटबुक्स वगैरह लेनी है, बच्चों के लिए होमवर्क स्टार्ट कराना है, तो अब इसके लिए कुछ चीज़ें बाय करनी थी। और आरोज का जो है ना बर्थडे प्लान किया हुआ था हमने, तो हम लोग आए थे इस दिन शॉपिंग के लिए और यहाँ पे हम लोग आ चुके थे, एंट्री हम ले चुके थे यहाँ पे। ये देखें जी भाग दौड़ करके 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 हम लोग पहुँचे थे सबसे पहले शूज़ वाली जगह पे, क्योंकि अबरिश को घर के शूज़ लेने थे, कुछ छोटी मोटी घर की चीज़ें लेनी थी, तो बच्चों के शूज़ यहाँ से लेने थे हमने। तो सबसे पहले हमने शूज़ वाला कॉर्नर छाना, यहाँ पे बड़ी लेडीज़ के शूज़ थे तो यहाँ से हम मूव ऑन कर गए थे बच्चों की तरफ, जहाँ पे बच्चों का सेक्शन है यहाँ पे हम बच्चों वाले सेक्शन में आ चुके थे। और यहाँ पे अबरिश ने अपने शूज़ सिलेक्ट करने थे और अबरिश ने बहुत ही परेशान किया है। तो अच्छा तुम्हारा दिल नहीं है इस पर, ये नहीं लेना, ये नीचे ना बहुत टाइट है, ये दिखाओ जरा, दिखाओ जरा, दिखाओ जरा, ये अच्छा है नरम है ना, मुझे तो अच्छा लगा ये सब, ये सख्त नहीं है नीचे यहाँ पे देखो, हाँ ये कैसे सख्त है, बहुत चलो ठीक है, ये सॉफ्ट है, ये नहीं देख रही वो वाले, आपने दूसरे वाले दिखाए, ये नहीं दिखाए थे आपने, ब्रांड वाले दिखाए थे, ये नहीं कौन है, अरे जी ऑरेंज है ये देखो, ये बिना के देखो ना उसमें तो डॉल थी ना, उसमें यूनिकॉर्न हो, फिर ये हार्ड है, हाथ लगाओ पहले, हार्ड है पर पहना के तो देखो अच्छी लगी है, तो अभी पहना के देखे जो है यही तो पहन के देखे हैं इसमें डॉल थे। अच्छा जिस पे यूनिकॉर्न बना हुआ है, कैसा है, इतना प्यारा भी है, सही है ना, ठीक है ओके, ये दे दे ना। और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से अबरिश का मसला सॉल्व हो चुका था, अबरिश को एक शूज सेलेक्ट कर दिया था और अबरिश ने पसंद कर ही लिया था आखिरकार। और फिर बारी आ गई थी अरोश की, अरोश के लिए भी कुछ शूज़ लिए थे और फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह भी देखे थे, समर की नई वैरायटी आई हुई थी, बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त बच्चों के लिए कपड़े आए हुए थे, तो मैंने कुछ वीडियोज़ लिए हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही ह्यूज और बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है यहाँ पे। फिर हम लोग आ गए थे सेक्शन में जहाँ से मुझे शैम्पू वगैरह बाय करना था, कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें बाय करनी थी, तो ये वाला सेक्शन भी हमने विज़िट किया था। और इसके बाद हम लोग जाने लगे थे ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ से हमें बाय करना था अबर के लिए स्टेशनरी का कुछ सामान, तो यहाँ से आप लोग हम लोग जाएंगे नीचे। एक तो आज बेहद गर्मी थी और दूसरा इस कदर रश था कि मुझे लग रहा था कि आज सारा हैदराबादी शॉपिंग पे आ गया है। और ये देखिए जी यहाँ पे डेकोरेशन की कुछ चीज़ें थी और अब हम लोग जाने थे नीचे, अब हम अबरिश के लिए स्टेशनरी की कुछ चीज़ें लेंगे जहाँ से। और जहाँ पे किसी ने अगर नोट किया है कि यहाँ पे डॉक्टर साहब ने और मैंने क्या किया है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये देखिए जी यहाँ पे ये है मुख्तलिफ सेक्शन बने हुए हैं जहाँ पे आप हाउस होल्ड की सारी चीज़ें ले सकते हैं। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे बच्चों की चीज़ों के लिए, यहाँ पे अबरिश के लिए हमने स्टेशनरी बाय की थी, कुछ उसको बुकलेट्स वगैरह बनाने थे, कुछ हेल्पिंग के लिए चीज़ें चाहिए थी, डायरी चाहिए थी उसको, इसके अलावा उसको ग्लू वगैरह
कुछ पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाती हैं, इसलिए हम लोग अक्सर यहाँ पे आ जाते हैं। और काफ़ी वैरायटी होती है और बच्चे बहुत खुश होते हैं जहाँ उनको ज़्यादा वैरायटी में ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, बच्चे ज़्यादा खुशी से चीज़ बाय करते हैं, लेते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये शॉपिंग हो रही थी और इसके बाद हम लोग जाएंगे आरोश के लिए कोई गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि आरोश का हमने बर्थडे प्लान किया हुआ है। अबरेश की स्टेशनरी के बाद हमने आरोश की बर्थडे के लिए भी कुछ चीज़ें बाय की थी और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे। ये एक अलग मार्केट है, यहाँ से हमने आरोश के लिए कुछ बाय किया था उसकी बर्थडे के लिए। उसके लिए हमने साइकिल बाय की थी यहाँ से और कुछ एक आध और उसके लिए गिफ्ट लिया था यहाँ से। तो यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज थे, इस तरह की चीज़ें थी। बहुत ही ज़बरदस्त शॉप थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके पास जहाँ पे अवेलेबल थी। इन लोगों का कहना है कि ये ऑनलाइन भी सेल करते हैं और वेबसाइट भी है इन लोगों का, तो इन लोगों से लोग ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये वाला व्लॉग हो रहा है कम्प्लीट। इसका सेकेंड पार्ट मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेके आऊँगी और यहाँ पे मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त, मुझे इजाज़त दें, दुआ में रखें याद, खुश रहें, खुशहाल रहें। फी अमानल्लाह।